गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज दिलीप कुमार, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पिछले कई चैप्टर्स में हमने अब तक अर्थमेटिक के ऑलमोस्ट सिलेबस को कंप्लीट किया, क्योंकि जब हम बात करते हैं अर्थमेटिक की, वो एक कॉमन सिलेबस होता है जो कि SSC, बैंकिंग एंड ऑल कॉम्पिटिशन में आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेशली फॉर SSC, तो SSC के एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं जो हमें बैंक पीओस वगैरह में नहीं पढ़ने होते। और ऐसा बैंक पीओ में भी होता है कि कुछ चैप्टर हमारे बैंक पीओ में ऐसे आते हैं जो हमें SSC में नहीं पढ़ने होते। तो हमने एक फ्रेम किया है कि सारा का सारा जो सिलेबस है, सारा का सारा जो मैथमेटिक्स है, वो आप लोग आप तक पहुंचाया जाए। अगर आप प्रिपरेशन SSC की करते हैं, बैंकिंग की करते हैं, या ओनली SSC और ओनली बैंकिंग करते हैं, तो हर तरह से आपके पास पूरा कंटेंट हमारा हो। तो इसी सीरीज़ में माय डियर, आज मैं आपको SSC के उस सिलेबस से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जिसको हम एडवांस मैथमेटिक्स बोलते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ, तो यूँ तो टॉपिक एक अल्जेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस है, फिर हमारे पास मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन के अंदर थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ ज्योमेट्री आता है, जिसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमारा ज्योमेट्री सेक्शन हमारी हेल्प करता है। फिर वही बात आती है कि एक टॉपिक ज्योमेट्री भी है, ज्योमेट्री को पढ़ने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये लगभग ये जो 5 से 6 टॉपिक्स मैंने आपको बोले हैं, इस टॉपिक में से अराउंड 45 से 50% सिलेबस SSC के अंदर पूछा जाता है। एडवांस को जब आप बोलते हैं कि ये बहुत टफ है, डेफिनेटली इट इज़ टफ व्हेन यू डोंट हैव नॉलेज। सिर्फ एडवांस ही नहीं, वो कोई भी क्वेश्चन जिसकी नॉलेज आपको नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए आपके लिए टफ हो जाती है। और कोई टफ से टफ चीज़ जब आप जानते हैं और उसे आपसे पूछा जाता है, तो वो आपके लिए ईजी होती है। तो इसलिए माई डियर, डोंट वरीड कि एडवांस सेक्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट टेक्स्ट सेक्शन। ये इतना मुश्किल नहीं है, बस डिपेंड करता है कि इसे सीखा कैसे जाए। तो हम अगर ऑर्डर पकड़ लें, तो पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, तो अपने आप ही पहले वाले चैप्टर दूसरे वाले चैप्टर में हेल्प करने लगते हैं। हम अगर बात कहें कि सर पहले एडवांस में हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री के माय डियर ऐसे कई सवाल होंगे, ऐसे कई क्वेश्चन जिसके अंदर अल्जेब्रा लगता होगा। और अगर आपको अल्जेब्रा की नॉलेज नहीं होगी, तो डेफिनेटली वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपको ईजिली समझ नहीं आएंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो ज्योमेट्री में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मेंसुरेशन में हेल्प करते हैं। तो जब हम पहले एडवांस के अंदर अल्जेब्रा पढ़ लेंगे, उसके बाद ट्रिगो पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर मेंसुरेशन के अंदर कहीं ना कहीं उसका यूज़ कर लेंगे इन दोनों चीज़ों का, तो फिर आगे जाके हमें कहीं ना कहीं ज्योमेट्री में भी पूरा कंफर्टेबल जोन मिलेगा, और फाइनली एट लास्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो डियर, आज हम शुरू कर रहे हैं अल्जेब्रा। और अल्जेब्रा के इन क्वेश्चंस में हमें बात करनी है उन क्वेश्चंस की जो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगर मैं आपसे ओरली कुछ ऐसे फॉर्मूले पूछूं जो आप कहीं ना कहीं 7th, 6th, 8th, 9th क्लास में पढ़कर मैथमेटिक्स करते आए हैं, तो उनमें से एक फॉर्मूला होगा, व्हाट इज़ द a+b होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अमूमन सभी बच्चे इस सवाल का जवाब दे देते हैं, a² + b² + 2ab। अब देखते हैं कि जब हम a+b के होल स्क्वायर को a² + b² + 2ab बोलते हैं, तो क्या ऐसी नॉलेज है जिससे हम दूर जा रहे हैं? कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से a+b का होल स्क्वायर बना हुआ है? दरअसल इसको सही तरीके से अगर लिखा जाए, तो इट शुड बी a² + 2ab + b²। अब आप कहेंगे कि इस कंडीशन में और इस कंडीशन में चेंज क्या है? चेंज है ऑर्डर का। अगर आप ध्यान से देखिए, तो मैंने कहीं ना कहीं यहाँ इस 2ab को और इस 2ab को लिखने में थोड़ा सा फ़र्क दिखाया है। क्या 2ab लास्ट की जगह मिडल में पहुँच गई, अगर आप ध्यान से देखें तो। अब सवाल पैदा होता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है और किस ऑर्डर में हम इसे समझना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, a+b का होल स्क्वायर के बाद हो सकता है फॉर्मूला a+b का होल क्यूब, a+b की पावर 4, 5 एंड n टर्म तक, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो सकता है। इसे खोलने के लिए हमारे पास एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में सबसे पहली बात ये समझ आनी चाहिए, अगर पॉइंट्स की बात कहूँ तो, पावर अगर 2 है यानी कि होल स्क्वायर है, तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स 3 होंगे, जैसा कि आप देखते हैं a² b² एंड 2ab, 3 स्टेप। अगर पावर 3 हुई तो स्टेप 4 होंगे, फिर किस तरह के होंगे, दैट इज डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला वी विल थिंक अबाउट। तो माय डियर, पहला पॉइंट,
पावर अगर दो है तो स्टेप तीन, तीन है तो चार, एंड सो ऑन. दूसरी बात, इफ पावर इज टू यानी कि होल स्क्वायर, तो हर स्टेप में दो वेरिएबल होंगे. ध्यान से देखते हैं, यहाँ आपके पास पहले स्टेप में जब ए स्क्वायर है तो उसका मतलब है ए इंटू में ए है. दूसरे स्टेप में जब आप बी स्क्वायर बोलते हैं तब भी बी इंटू में बी है. और तीसरे स्टेप में आपको ए गुणा बी यानी कि हर स्टेप के अंदर दो वेरिएबल दिखाई देते हैं, चाहे वो सेम है या नहीं है. क्लियर? ठीक. तो हम सबसे पहले कहें कि ये दूसरा पॉइंट हो गया कि अगर पावर दो है तो हर स्टेप के अंदर दो वेरिएबल होंगे. अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि आप जिस वेरिएबल का एलजेब्रा में होल स्क्वायर खोल रहे हैं उसके अंदर ए की पावर टू, उसके बाद ए की पावर वन है, उसके बाद ए की पावर जीरो है. अगर आप इस ऑर्डर को ना फॉलो करें और अगर इसको प्रॉपरली फॉलो करें तो आपको दिखाई देगा ए की पावर टू है, ए की पावर वन है और ए की पावर नहीं है, यानी कि ए की पावर जीरो मीन्स दैट इज इक्वल टू वन. तो हम यहाँ समझते हैं कि दूसरी तरफ बी के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो बी की पावर जीरो है, बी की पावर वन है, फिर बी की पावर टू है. हर स्टेप के अंदर दो वेरिएबल है. प्लस का फॉर्मूला होने के कारण अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसका सॉल्यूशन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर ए की पावर जीरो है तो वन के बराबर है, बी की पावर जीरो है तो भी वन के बराबर है. किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की अगर पावर जीरो होती है तो दैट इज माय डियर इक्वल टू वन. तो हम अब देखें कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बाद ये जो वैल्यू टू है ये कहाँ से आई. इस वैल्यू को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं समझना होगा पास्कल ट्रायंगल को. इस पास्कल ट्रायंगल के थ्रू आप इस वन और वन को टू लिख देते हैं और आपको नंबर दिखाई देते हैं वन टू वन, यानी कि यहाँ वन, यहाँ टू और यहाँ वन. और ऐसा करने से बनता है आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट? अब आप कहते हैं कि सर अगर फॉर्मूले में माइनस आया तो सेम ऑर्डर है ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर. डिपेंड करता है माइनस के साइन की वजह से प्लस माइनस का यूज़ कैसे होगा. कोई भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, चाहे उसकी नेगेटिव टर्म का भी हम स्क्वायर क्यों ना करें. अगर हमने ए को ए से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास जो ए है वो पॉजिटिव है, इसलिए ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा. दूसरी तरफ अगर हम बी को मल्टीप्लाई करें बी से तो बी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई हुई और ये हो गया प्लस का बी स्क्वायर. परंतु जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस ए और बी को मल्टीप्लाई करते समय ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, इसलिए ये हुआ माइनस ए बी. अब हम ध्यान से देखें तो पहले हमारे पास प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस. और इस ऑर्डर को आप दिमाग में रख सकते हैं कि अगर आप नेगेटिव होल स्क्वायर को खोलते हैं तो आपको पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, एंड सो ऑन. इसी ऑर्डर में अल्टरनेट लेवल पर प्लस से शुरू करते हुए इंटरचेंज करना होता है, मतलब अल्टरनेट लेवल पर प्लस माइनस लगाना होता है, नॉट इंटरचेंज. आइए देखें तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो माय डियर, हम फॉर्मूलों को ऐसे क्यों समझना चाहते हैं. कभी कभी हमारे को आगे हायर लेवल पर जब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल क्यूब, अगर ऐसे फॉर्मूलों को देखना होगा तो कंसंट्रेट करने की चीज़ें हमें काम आएंगी. आइए देखें कि व्हाट इज नेक्स्ट पॉसिबल इन दिस ऑर्डर. हमारे पास अगर ए प्लस बी का होल क्यूब है तो ऐसी स्टेज में फॉर्मूले में मैंने पहला पॉइंट बोला कि हर स्टेप के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स तीन होंगे, तो यानी कि ए की थ्री, ए की टू, ए की वन और फिर ए की जीरो. ठीक उसी तरीके से बी की जीरो, बी की वन, बी की टू और फिर बी की थ्री. अब प्लस का फॉर्मूला है, अगर हम इसे ऐड करें तो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा
ए क्यूब, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और बी क्यूब। बट इसके बाद डिपेंड करता है कि वो कॉफिशेंट जो मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड होते हैं वो कैसे आएंगे। हम यहाँ पास्कल ट्राइंगल का यूज़ करें और देखें कि वन और वन टू हुआ तो हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल गया। अगर हम इसे थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करेंगे तो वन और टू थ्री होगा, वन और टू थ्री होगा और हमारे पास नंबर आ जाएंगे 1331, यानी कि वो नंबर हम 1, 3, 3 और 1। अब इसे सॉल्व करें तो कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। सवाल पैदा होता है कि इन क्वेश्चंस में a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अगर ये है तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि अगर नेगेटिव साइन आता है बाइनोमियल एक्सप्रेशंस में द्विपदी में तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, यानी कि ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। इसको भी अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि ऐसा क्यों, क्योंकि a पॉजिटिव है, अगर आप उसे तीन बार मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। a पॉजिटिव है लेकिन b नेगेटिव है इसलिए माइनस एक बार है तो यहाँ पर प्लस 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 और माइनस, तो इसका मतलब है ये माइनस की ही रिजल्ट हो गए, दैट इज़ a²b। आप इस स्टेप में जाते हैं नेक्स्ट वाले में तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको दिखाई देता है कि आपका a तो पॉजिटिव है, b नेगेटिव होने के बाद भी दो बार है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया ab², इसीलिए यहाँ पर इसके आगे पॉजिटिव है। माइनस b को आपने तीन बार मल्टीप्लाई किया है इसीलिए माइनस b³ आया है। आप ऑर्डर ध्यान से देखें तो प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से आपके साइन यूज़ होते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली अब कहूँ कि मुझे 4 का फॉर्मूला डेरिवेट करना है तो कितनी स्पीड में लिख सकता हूँ, यहाँ कॉफिशेंट्स कैसे मिलेंगे हमें, एक आगे गया, 3 और 1 4 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया और एक ऐसे आ गया। मीन्स द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी की पावर 4 इज व्हाट, दैट इज ए की 4। अब प्लस का फॉर्मूला है, माइनस सोचना ही नहीं चाहिए, प्लस 4a³b प्लस 6a²b² प्लस 4ab³ प्लस बी की पावर 4। इसी तरीके से अगर आप a माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। हालांकि एलजेब्रा में a प्लस बी की 4 पावर तक क्वेश्चन अभी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली आपको तरीका पता है और इस तरीके से आप बहुत आराम से फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। माय डियर, जनरली इन फॉर्मूलों को खोलने के लिए हम एनसीआर का फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जिसमें हम हायर लेवल पर जिन बच्चों ने पहले पढ़ा होता है उन्हें बहुत आराम से समझ आता है कि एनसीआर कैसे यूज़ करते हैं। बट जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने एनसीआर यूज़ भी नहीं किया और किया भी है और आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ जो हमने एक यूज़ किया है वो बेसिकली पास्कल ट्राइंगल है, जैसे किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशंस के अंदर प्रयोग होने वाले अंक यानी कि संख्या कॉफिशेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे आएंगे, दैट इज़ द ऑर्डर वी अंडरस्टूड। चलिए, ये तो हुई बात कुछ 4 फॉर्मूलों की, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब एंड a माइनस बी का होल क्यूब बेसिक हमें चाहिए होते हैं। हमने फिर भी पढ़े हैं 6 फॉर्मूले, आखिरी के 2 फॉर्मूले रेयरली यूज़ होंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि कुछ एलजेब्रा के क्वेश्चंस हम सीखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले एलजेब्रा में किस तरीके से सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, x = 4 है और y = 5 है और आपको ये कहा जाए कि x का मान 4 और y का मान 5 है तो 2x प्लस 4y की वैल्यू क्या होगी। तो माय डियर, नॉर्मली x की जगह पे आप x पुट कर दोगे, y की जगह y पुट कर दोगे, कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। मीन्स 2 (4) प्लस 4 एंड 5। नाउ वी कैन से दिस इज 8
20, फाइनल आंसर इज 28. इतने आसान सवाल अगर आप सोच रहे हैं कि कंपटीशन में पूछे जाएंगे तो भूल जाइए कि ऐसे सवाल आपसे कोई पूछ रहा है. क्वेश्चंस किस तरीके से हमें इसी आसान कॉन्सेप्ट से समझने हैं ये डिपेंड करता है एल्जेब्रा में रिलेशन क्या है. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास ए प्लस बी की वैल्यू 5 है और ए और बी की वैल्यू ए बी की वैल्यू 6 है और आपको बताना है ए प्लस बी प्लस ए बी का मान. तो बहुत सिंपल है, आपको ए प्लस बी दिखाई दिया और आपने ए प्लस बी की जगह पे 5 रख दिया, ए बी दिखाई दिया आपने ए बी की जगह 6 रख दिया, आंसर आ गया 11. बट क्वेश्चन में इतना आसान भी नहीं होता कि ए प्लस बी दे दिया तो वो ए बी दिखाई देगा. बट आई वॉन्ट टू टेल यू एग्जैक्टली कि सपोज अब आपके पास क्वेश्चन है इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 6 और क्वेश्चन होता है फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब आप ध्यान से देखिए ए प्लस बी कहीं नहीं लिखा और ना ही ए बी लिखा हुआ है और वैल्यू आपके पास केवल ए प्लस बी और ए बी की है सब्स्टिट्यूट करने के लिए. तो आपको समझना चाहिए इस बात को कि ऐसे सवालों के सॉल्यूशन में हमें याद आना चाहिए स्क्वायर की वजह से ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर. अब आप कहेंगे सर हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा कि हमने सीखा. दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर जिसमें है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब क्वेश्चन के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली आपको समझना होगा कि हम यहां पर इस दोनों क्वेश्चंस के फॉर्मूलों में जिस कॉमन चीज को देखना चाहते हैं वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ऐसी स्थिति में यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में देखते हैं तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है जब हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करना पड़े. तो हम समझते हैं हमें वैल्यू किसकी पुट करनी है. हमें वैल्यू पुट करनी है ए प्लस बी की और वो इस फॉर्मूले में है हमारे पास ए प्लस बी के फॉर्मूले. तो माई डियर वट आई वॉन्ट टू टेल यू आपको सोचना चाहिए कि कुछ ऐसा हो कि आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बने. यदि आप अपने क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देख रहे हैं ठीक है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा. उतना ही ऐड करना होगा जितना आप सब्ट्रैक्ट करोगे या उतना ही सब्ट्रैक्ट करना होगा जितना आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे. डिपेंड करता है ऐसा क्या ऐड करें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जरूरत पड़ेगी 2ab की प्लस की. यदि आप अपनी तरफ से 2ab ऐड करेंगे तो आपको 2ab सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. ऐसा करने से ये टर्म जब आप कवर करेंगे तो आपको फॉर्मूला दिखाई देगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिसे आप लिख सकते हैं इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. और इस स्थिति में ए प्लस बी का मान आप आराम से 5 पुट कर सकते हैं पावर 2 और ए बी का मान 6 पुट कर सकते हैं. तो 5 5 25 माइनस 12 एंड योर आंसर इज 13 फॉर द प्रॉब्लम. मैं एक बार आपको दोबारा बता रहा हूँ कि x और y की वैल्यू जैसे आपने पुट करने के लिए सोचा उसके अंदर आपने सोचा कि कहीं x दिखाई दे कहीं y दिखाई दे तो हम पुट कर देंगे. ऐसे ही दूसरे एग्जांपल में आपने देखा कि जहाँ पर आपके पास a प्लस बी दिखाई देगा और ab दिखाई देगा वहाँ पुट कर देंगे. तो आपने वहाँ पुट किया और बहुत आराम से आंसर आ गया. लेकिन पेपर में माई डियर जब आपके पास हम क्वेश्चन प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरीके से आते हैं तो जो वैल्यू आपको दे रखी होती है वो कभी कभी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती. किसी एप्लीकेशन को खोलकर उस चीज़ को फॉर्म करके हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इट इज़ आई वॉन्ट टू टेल यू इन द थर्ड एग्जाम्पल. लेट्स सी और किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है. Thank you.
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एम ए बी इज इक्वल टू एन और क्वेश्चन होता है फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी। यहां क्वेश्चन के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज है हमारे पास माइनस फोर ए बी। हमने अभी भी देखा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या हो सकता है बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां अगर हमारे पास टू ए बी होता वो भी प्लस का तो हम उसे यूज करके इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते थे। तो सॉल्यूशन में क्या करें बेटा, सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी जो कि क्वेश्चन में है, हमारे को चाहिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए प्लस का टू ए बी, और क्योंकि हमने अपनी तरफ से प्लस टू ए बी किया है तो माइनस टू ए बी भी करना होगा। अब समझते हैं कि बेसिकली हमारे पास ये जो सेक्शन है ये अगर इसे हम कंसीडर कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और रेस्ट जो हमारे पास बचेगा ये दोनों टर्म्स माइनस फोर ए बी और माइनस टू ए बी, ये बन जाएगा माइनस का सिक्स ए बी। अब आप आराम से ए प्लस बी की वैल्यू एम एम स्क्वायर ए बी की वैल्यू एन पुट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि योर आंसर इज एम स्क्वायर माइनस सिक्स एन। कभी आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू है और वो ए प्लस बी की वैल्यू पुट करने के लिए यूजफुल नहीं है तो छोड़ दो उसे, उसे छोड़ो और अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमेशा कोशिश करो कि अगर ए प्लस बी का मान है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए जिसके लिए टू ए बी होना चाहिए। इतना आप ऐड करें, इतना सब्ट्रैक्ट करें, जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे सॉल्व कर लें। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव है एंड ए बी इज इक्वल टू सिक्स है और हमें सॉल्व करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फाइव ए बी। अब आपका सब कुछ प्लस है और ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे माय डियर, आप देखेंगे ठीक उसी तरीके से कि आपका फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ आप दो तरीके सोच सकते हैं, आपके पास टोटल वैल्यू 5ab है जिसके अंदर से आपको 2ab प्लस का और 3ab एक्स्ट्रा प्लस का मिलता है, तो हम अगर चाहें तो इसे ऐसे ही तोड़ें और लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3ab। इस टर्म को आप बंद कर सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में और ये वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्री ए बी। आपके पास वैल्यू है ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव तो आपने इसे लिखा फाइव स्क्वायर प्लस थ्री ए बी मतलब दिस, तो फाइव स्क्वायर प्लस एटीन और वी कैन से दिस इज ट्वेंटी फाइव प्लस एटीन आंसर इज फोर्टी थ्री। अगर आप इसी क्वेश्चन को फाइव ए बी को प्लस टू ए बी और थ्री ए बी में नहीं तोड़ते और दूसरे तरीके से सोचते तो आपका सोचने का तरीका होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फाइव ए बी क्वेश्चन होता, आप प्लस का टू ए बी करते माइनस का टू ए बी करते और फिर दोबारा से उन्हीं चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते जिससे आपका होल स्क्वायर ए प्लस बी का आपको मिल जाता, मीन्स दिस वैल्यू ये हो जाता आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बच जाता फिर आपके पास वही 3ab क्योंकि 5 में से 2 लेस हो जाता
और दोबारा से आप यही वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेते हैं. तो दिस इज व्हाट व्हेन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 6 इज गिवन हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एटसेट्रा. कभी कभी बच्चा सोच रहा होता है हमारे पढ़ाते हुए कि सर ए प्लस बी की ऐसी दो वैल्यू जिसे जोड़ने पर 5 आता है वो 3 और 2 है, तो सीधे सीधे यही वैल्यू पुट कर सकते हैं. और ए बी की वैल्यू 6 है यानी कि गुणा करने पर 6 आता है तो 3 दूनी 6 है. माई डियर आई एग्री विद यू, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप. लेकिन उस स्टेट में सोचिए कि जहाँ पर आप ये सोच ही नहीं पाएंगे कि वो दो संख्याएं कौन सी हैं जिन्हें जोड़ने पर इतना और मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए. तो दैट मोमेंट यू मे हैव सम प्रॉब्लम. सो ऑलवेज लर्न द कॉन्सेप्ट बिकॉज कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज हेल्प यू टू फाइंड आउट द आंसर. एनी हाउ बात करते हैं कि अभी अगर जब हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सिचुएशन कब आएगा? कभी खुद क्वेश्चन नहीं बोलेगा आपको, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे समझना होगा कि करना क्या चाहिए. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं. इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 24. क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab और तीसरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab. अभी आप इन तीनों क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका जो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आप चाहते हैं कि आप ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर पाएं. तो माय डियर अगर आप ये चाहते हैं कि ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर पाएं तो सीधी सी बात है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपके लिए किसी काम का नहीं है. आपके लिए ज़रूरत है ए माइनस बी के होल स्क्वायर की. अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर में आप ध्यान से देखिए कि आपको रिक्वायर्ड होता है माइनस का 2ab चाहिए. किसके साथ? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ. यदि आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और माइनस 2ab नहीं है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा. इसलिए हम पहले सॉल्यूशन में देखें कि पहला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हमें अपनी तरफ से क्या करना चाहिए? ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. हमने यहाँ प्लस का 2ab ऐड किया और माइनस का 2ab ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दिया. ऐसा करने से हमारे पास इस वैल्यू और इस वैल्यू को कनेक्ट करके हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई देगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर एंड आउटसाइड प्लस 2ab. यहाँ a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, सब्स्टिट्यूट कर दी, और ए बी की वैल्यू 24 है, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दी. दिस इज 25, दिस इज 48 एंड दिस इज 73 माय डियर. अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की. सेकंड क्वेश्चन में भी अगर हम आके देखें तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab.